फिर सही में ट्रेलर देखने के बाद समझ ही नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करूँ। इतना कुछ है कि क्या ही बोलूँ। एक ही दिन में इन्होंने ट्रेलर, टीवी स्पॉट, पोस्टर और सब में ही कई सारे इंटरेस्टिंग डिटेल है, इसलिए चलो और डिले नहीं करते हैं और डुबकी लगाते हैं ब्रेक डाउन में। तो ट्रेलर की शुरुआत ही होती है डॉक्टर स्ट्रेंज के जगने से। अब इनको कौन ही समझाए कि यार ये नाइटमेयर नहीं है, मल्टीवर्सल लोचा हो चुका है। खैर यहीं पे सीक्वेंस मिलता है एक सैंक्टम का, जहाँ क्लियरली रियलिटी ब्रेक हो रही है। ऐसे ही कुछ हमने व्हाट इफ में भी देखा था। पहले बात कर लेते हैं स्टीफन स्ट्रेंज की इस वॉच की, जो हमें नेक्स्ट शॉट में ही दिखाया गया। और अगर आपको याद हो तो डॉक्टर स्ट्रेंज के फर्स्ट मूवी में ही ये वॉच टूट गया था, जब वो कमर ताज ढूंढ रहा था और हाँ क्रिस्टीन ने ये उसे एज अ गिफ्ट दिया था। देन किसी एक अजीब से मॉन्स्टर ने अमेरिका चेवेस को भी पकड़ रखा है। अब देखो पहले इस मॉन्स्टर पे आए, ऐसा कोई भी सिमिलर मॉन्स्टर जो कि किसी मम्मी की तरह बैंडेज लगाए हो मुझे तो कॉमिक्स में नहीं मिला। लेकिन हाँ रिसेंटली हमने मून नाइट के ट्रांसफॉर्मेशन में मम्मी वाला लुक देखा था। देन इसी के अंदर एक डोर ओपन होता है एंड डोर पे क्लियरली एक फेस बना है। अब देखो इस फेस का कोई मीनिंग हो ऐसा जरूरी तो नहीं है, बट हाँ इफ आपने एक्समैन की मूवीज देखी है तो क्लियरली ये बीस्ट के जैसा लग रहा है, बस मुझे सिमिलर लगा तो यार बता दिया। लेकिन अगर अमेरिका चेवेस की बात करें तो आप उसके पीछे एक पोर्टल खुला देख सकते हो, एंड आपको अभी भी नहीं पता चला है तो यार फिर से बता देता हूँ कि अमेरिका चेवेस का पावर ही यही है कि वो मल्टीवर्स का पोर्टल ओपन कर सकती है एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करने के लिए। और फिर हमें मिलता है सैंक्टम की सीढ़ी, एंड आपको टीजर ट्रेलर याद हो तो वहाँ भी हमने ऐसा ही स्टेयर स्पॉट किया था, साइड से समुंदर का पानी भी आ रहा था एंड उसपे ऐसी ही स्टैचूज भी थे, विच मीन्स कि ये वही लोकेशन है, बस रियलिटी और ज्यादा टियर हो चुकी है। और एल्स हर बार की तरह मार्वल VFX से हमारा काट रहा है। क्या पता यार ट्रेलर का एक भी शॉट मूवी में होगा भी या नहीं। वैसे इसी पोर्टल में आप डिफेंडर स्ट्रेंज को भी गिरते देख सकते हो, एंड क्लियरली उसके फेस पे गहरी चोट लगी है, वो शायद बुरी तरह से घायल हो चुका है। और अगर टीवी स्पॉट की बात करें तो वहाँ भी अमेरिका चेवेस और डिफेंडर स्ट्रेंज साथ में स्पॉट हुए थे, तो हाँ मोस्ट प्रोबेबली डिफेंडर स्ट्रेंज भी कोई एविल वर्जन नहीं होगा। खैर इस कैरेक्टर पे डिटेल में मैं लास्ट में आता हूँ। देन आता है ये शॉट, बैकग्राउंड देखकर ही पता चल रहा है कि सैंक्टम के अंदर है, एंड रेड कलर से ये पता चलता है कि ये वांडा का केओस मैजिक है। और यहाँ क्लोजअप में रिवील होता है कि नीचे डार्क होल्ड भी रखा है। इफ आपने वांडा विजन देखा है तो आपको याद होगा ही कि डार्क होल्ड के हेल्प से एंडिंग में वांडा कितनी पावरफुल हो गई थी, एक तरह से केओस मैजिक में वो मास्टर बन चुकी है। तो हाँ मे बी यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज इसी डार्क होल्ड के पावर को, इवन वांडा के पावर को रियलाइज करता होगा। वैसे भी डॉक्टर स्ट्रेंज एंड बुक्स का रिश्ता पुराना है। देन अगेन वही हमें कमरताज पे अटैक होने वाला शॉट मिलता है। इसी का दूसरा एंगल हमें टीवी स्पॉट में दिखाया गया, जहाँ आप डॉक्टर स्ट्रेंज को हवा में देख सकते हो। और यहीं पे एक कैरेक्टर स्पॉट हुआ है, वो है रिंट्रा। अब देखो कॉमिक्स में ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, शॉर्ट में बता देता हूँ। एक इंथरमोन द वीवर नाम का कैरेक्टर है वहाँ, जिसे आप मास्टर वीवर कह सकते हो, मतलब कपड़े बुनने वाला, और ये एक दूसरे डायमेंशन का है। इसी कैरेक्टर को रिंट्रा मिला था एंड उसके स्किल को देखते हुए इंथरमोन ने उसे अपने अंदर ले लिया था, मतलब अपना चेला बना लिया था। देन एक बैटल में जब डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लोक ऑफ लेविटेशन डैमेज हो गया था तो ऑब्वियसली उसने मास्टर वीवर इंथरमोन से इसे रिपेयर करवाया था, और यही डॉक्टर स्ट्रेंज एंड रिंट्रा पहली बार मिले थे। इसके बाद कई सारे बैटल में रिंट्रा डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प करने लगा, एंड बेसिकली जब भी वो घायल हो जाते थे रिंट्रा उन्हें हील करता था, एंड यस वो कमर ताज एंड सैंक्टम में ही रहता था। ये शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन था इस कैरेक्टर का, जो कि मूवी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक छोटा सा डिटेल मैं आगे देता हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। और अगर वहीं पे बात करें कि कमर ताज पे अटैक कौन कर रहा है, तो ये मुझे लगता है कि वांडा ही होगी, वो खुद कर रही होगी या किसी से करवा रही होगी। देन अगेन कमर ताज का ये शॉट, जहाँ अमेरिका चेवेस के साथ हम इस कैरेक्टर को देख सकते हैं जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज के फर्स्ट मूवी में स्टीफन ने एंशिएंट वन समझ लिया था। देन आगे हमें वही शॉट मिलता है जो हमने पिछले टीजर में मिला था। स्ट्रेंज पूछता है कि मल्टीवर्स के बारे में वांडा को क्या पता है। अब वो यहाँ कुछ क्लियर तो नहीं बताती, लेकिन विजन को मेंशन जरूर करती है, विच कन्फर्म्स कि विजन को भी मल्टीवर्स का आइडिया तो था। एंड ऑब्वियसली यहाँ वांडा भी झूठी बोली होगी कि उसको कुछ नहीं पता। भाई मैं श्योर हूँ कि मल्टीवर्स से लोचा करने के पीछे उसी का हाथ है। फिर यहाँ वॉन्ग के डायलॉग से ये भी पता चलता है कि मल्टीवर्स के डोर्स डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से ही ओपन हुए हैं। मे बी वो नो वे होम में हुए इंसिडेंट को मेंशन कर रहा हो, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि इनिशियली अमेरिका चेवेस भी नो वे होम में दिखने वाली थी। वैसे इस पूरे सीक्वेंस में भी हम व्हाट इफ की ही तरह रियलिटी ब्रेक होता देख सकते हैं। देन ये शॉट, जहां हम क्रिस्टीन पामर के एक वेरिएंट को देखते हैं, साथ ही अमेरिका चेवेस भी है। ये सारे कम्बे देखकर साफ पता चलता है कि ये वही लोकेशन होगा जहां ये मॉन्स्टर भी था। अब देखो यहां कुछ क्लियर तो पता नहीं चलता। देन क्रिस्टीन पामर भी हमें यहां दिखती है,
लास्ट अगर आपको याद हो तो इसकी शादी हो रही थी किसी और से एंड डॉक्टर स्ट्रेंज भी वहाँ एज अ गेस्ट था, मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज का छन्ना मेरे यहाँ हो गया था। एंड मुझे लगता है कि इसी सीक्वेंस के बाद ये होगा जहाँ हम अमेरिका शेवेस को भागते हुए स्पॉट करते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वॉन्ग यहाँ उसे गैरगेंटोस से बचाएगा। लेकिन इफ टीवी स्पॉट देखोगे तो दिखता है कि क्रिस्टीन पामर मोस्ट प्रोबेबली किसी और यूनिवर्स की होगी, मतलब ये उसकी एक वेरिएंट होगी जो कि मोस्ट प्रोबेबली किसी तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगी। उस ऑर्गेनाइजेशन पे भी मैं आता हूँ, लेकिन हाँ टीवी स्पॉट के इस सीन में आप देख सकते हो कि क्रिस्टीन यहाँ पर है, साथ ही अमेरिका शेवेस किसी तरह के कैबिन या बॉक्स में है जिसमें शायद वो पोर्टल ना बना पाए। शायद डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ अमेरिका शेवेस को भी पकड़ा गया है। अब अगर थ्योरीज की बात करूँ तो यहाँ पर एक फैन थ्योरी है कि जो ये वांडा है वो अपने बच्चों को वापस चाहती है, जैसे कि हमने वांडा विजन के पोस्ट क्रेडिट में देखा ही था। तो इसके लिए उसने अपने बच्चों को स्पॉट कर लिया है लेकिन एक किसी दूसरे यूनिवर्स में, और वहाँ ट्रैवल करने के लिए उसे कोई ऐसा चाहिए जो मल्टीवर्स में इजीली ट्रैवल कर सके, और इसीलिए वो अमेरिका शेवेस के पीछे है एंड उसी ने शायद गैरगेंटोस को भेजा है। अब देखो ये बस छोटी सी फैन थ्योरी थी जो मुझे सही लगी तो बता दिया। हाँ अब डॉक्टर स्ट्रेंज के पकड़ाने की बात हुई है तो उसी पे आ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज को कुछ अल्ट्रॉन बॉट्स किसी के पास ले जा रहे हैं एंड मेरा गेस है कि यही वो ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप कह लो एल्यूमिनाटी होगा। अब जिनको नहीं पता तो उनके लिए बता दूं कि कॉमिक्स में एल्यूमिनाटी एक सीक्रेट सुपर हीरो का बहुत ही पॉपुलर ग्रुप है जिसके मेंबर्स आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो, और इसी सीक्वेंस से हमें आवाज आती है एक्टर पैट्रिक स्टीवर्ट की एंड पीछे से देखकर साफ पता चल रहा है कि यार ये प्रोफेसर एक्स है। सही में यार इससे ज्यादा क्या ही ऑसम हो सकता है, फाइनली किसी एक्समैन की एंट्री हो रही है। आगे बढ़े तो ये जो पूरा सीक्वेंस था वो मुझे बहुत सही लगा। अमेरिका शेवेस एंड डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स पे ट्रैवल कर रहे हैं और भाई ये लोग ऐसे यूनिवर्स में भी चले गए हैं जहाँ डायनासोर जिंदा हैं। बट नोटिस करने लायक है ये डिटेल, जैसे अमेरिका शेवेस स्टार शेप्ड पोर्टल खोलती है यहाँ एनिमेटेड कार्टून टाइप का बैकग्राउंड दिखता है एंड फॉर अ सेकंड एनिमेटेड डॉक्टर स्ट्रेंज भी जो कि हमने व्हाट इफ में देखा था। अब ये एक बहुत ही माइनर डिटेल है लेकिन इससे मुझे लगता है कि ये कंफर्म हो जाता है कि भाई मल्टीवर्स है तो व्हाट इफ की जो सीरीज थी वो भी इसी यूनिवर्स का पार्ट है एंड व्हाट इफ के और भी कई सारे हिंट्स हमें थ्रू आउट द ट्रेलर भी मिले हैं। एक और चीज इफ आप यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लोक ऑफ लेविटेशन डैमेज हो चुका है एंड लेटर कई जगह हमने स्ट्रेंज को एक नए क्लोक ऑफ लेविटेशन के साथ भी देखा। तो मेरा गेस है कि जैसे मैंने रिंट्रा की स्टोरी बताई वैसे ही कुछ यहाँ हुआ होगा, मे बी वही इसे रिपेयर करे विथ ब्लू क्लॉथ। चलो इस सीन में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो आप यहाँ मास्टर मॉडो को देख सकते हो, मुझे लगता है कि ये एल्यूमिनाटी का पार्ट होगा, और हाँ इसका नाम ऑफिशियली मास्टर मॉडो दिया गया है विच मीन्स कि ये भी एक वेरिएंट होगा। देन यहाँ एक बंदा है जिसका बॉडी स्ट्रक्चर देखकर तो मुझे लगा यार कि रीड रिचर्ड्स है, मतलब मिस्टर फैंटास्टिक। फिर यहाँ जो एक कैरेक्टर है जो कि हुडी में है, अब हुडी से तो मुझको यार बस एक ही कैरेक्टर ध्यान में आता है डॉक्टर डूम, लेकिन हाँ मैं श्योर नहीं हूँ। तो हाँ ये सारे इल्यूमिनाटी के मेंबर्स लग रहे हैं और यहाँ 6 कुर्सी है तो ऑब्वियसली 6 मेंबर्स होंगे। मोस्ट प्रोबेबली बाकी को यहाँ VFX से हटा दिया गया। अगर मैं इसके दूसरे मेंबर्स को गेस करूँ तो ऑब्वियसली सबसे पहले आता है सुप्रीम आयरन मैन, सिंस यहाँ अल्ट्रॉन बॉट्स हैं तो फॉर श्योर आयरन मैन तो होना ही चाहिए। और टॉम क्रूज वाले लीक के बारे में आपको तो पता होगा ही, मे बी एक ऐसी रियलिटी होगी जहाँ टोनी स्टार्क का सपना पूरा हुआ होगा एंड वो सक्सेसफुली सूट ऑफ आर्मर अराउंड द अर्थ लगा पाए होंगे। एक और मेंबर इस टीम का हो सकता है वो है डॉक्टर स्ट्रेंज, मतलब ये वाले डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं जिसकी मूर्ति इस शॉट में दिखाई गई, मे बी वो एंड मूर्ति है तो मे बी इस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज जिंदा नहीं हो। फिर एक और मेंबर कैप्टन मार्वल भी हो सकती है जिसे हमने आगे ट्रेलर में देखा ही एंड मे बी कैप्टन कार्टर भी, क्योंकि इसका जो एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया है उसमें कैप्टन कार्टर की शील्ड को भी आप स्पॉट कर सकते हो। तो हाँ ये सारे MCU के इल्यूमिनाटी के मेंबर्स हो सकते हैं। यार मैं बस गेस कर रहा हूँ, बाद में गलत हो जाए तो गाली मत देना। देन आगे हमें मिला एक और न्यू कैरेक्टर की एंट्री, कैप्टन मार्वल, जहाँ कैप्टन मार्वल वर्सेस वांडा का सीक्वेंस हमें देखने को मिलेगा। अब देखो कई लोग बोल रहे थे कि यार ये सुप्रीम आयरन मैन हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि किसी भी वे में मार्वल स्टूडियोज इतना मेजर डिटेल ट्रेलर में ही दिखा देंगे। एंड यहाँ पॉइंट ही क्या होगा आयरन मैन को दिखाने का जब उसके पावर्स कैप्टन मार्वल के जैसे हैं। तो हाँ यहाँ मैं 100% श्योर हूँ कि ये कैप्टन मार्वल की एक वेरिएंट होगी, मोस्ट प्रोबेबली ये मारिया रैम्बो होगी जिसे हमने कैप्टन मार्वल की फर्स्ट मूवी में देखा था, और किसी और यूनिवर्स में ये कैप्टन मार्वल बनी। एंड यहीं पे एक छोटा सा डिटेल था जो कि आप शायद मिस कर दिए होंगे, ये जो दोनों के बीच फाइट हो रहा है ये वही लोकेशन है जहां अल्ट्रॉन बॉट्स डॉक्टर स्ट्रेंज को एल्यूमिनाटी के सामने ले गए थे। ये जो स्टैचू आप यहां देख रहे हो सेम स्टैचू उस शॉट में भी था। देन ये जो शॉट है वो काफी सिमिलर है हाउस ऑफ एम के कॉमिक्स के कवर से
इसी के साथ ऐसा ही कुछ थानोस ने ड्रैक्स के साथ भी किया था इन्फिनिटी वॉर में। इन दोनों ही केस में रियलिटी इन्वॉल्व थी, रियलिटी को बदला जा रहा था और इस मूवी का मेन थीम ही वही है। देन ये जो शॉट है वो तो हमने पहले भी कई बार देखा है, बहुत पॉपुलर भी हुआ था, लेकिन यहाँ रिवील होता है कि जिसे हम इविल डॉक्टर स्ट्रेंज बोल रहे थे उसको मार्वल ने सिनिस्टर स्ट्रेंज नाम दिया है। इफ आप ट्रेलर कैप्शन के साथ देखोगे तो वहाँ ये क्लियरली मेंशन था, तो हाँ मैंने नोटिस किया तो सोचा बता दूं। चलो अब थोड़ा फोकस वांडा पे लाया जाए। यहाँ वांडा बोलती है कि तुम रूल ब्रेक करो तो तुम हीरो बन जाते हो, एंड जब मैं करूँ तो मेरा कैरेक्टर ढीला है, मतलब मैं एनिमी बन जाती हूँ। विच अगेन कंफर्म्स कि इस मल्टीवर्सल लोचा के पीछे वांडा ही इन्वॉल्वड है। ऑब्वियसली यहाँ पे ये भी पॉइंट आउट किया गया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने फर्स्ट मूवी से ही हर तरह के रूल्स को ब्रेक किया है। आई थिंक ये बात सबने नोटिस किया ही होगा यार, इवन नो वे होम में भी डॉक्टर स्ट्रेंज रूल ही ब्रेक कर रहे थे। देन आता है ये वाला शॉट जहाँ हम लोगों से एक वांडा नहीं संभल रही थी, अब हमें मिली दो दो वांडा। अब जिन्होंने वांडा विजन देखा होगा वो तो पहचान गए होंगे कि ये उसका वेस्ट व्यू वाला घर है। एंड यहाँ दो वांडा दिखने से हम लोग आराम से गेस कर सकते हैं कि एक रियलिटी ऐसी भी होगी, एक यूनिवर्स ऐसा भी होगा जहाँ वांडा खुशी से एक हैप्पी लाइफ जी पाई होगी, बट हमारे मेन यूनिवर्स की दुखी आत्मा वाली वांडा शायद उस यूनिवर्स में गई एंड शायद अपने बच्चों के लिए अपने वेरिएंट से ही पंगा ले लिया। वैसे यहाँ पे हमें वांडा का ये शॉट भी मिला, एंड इफ आपने टीवी स्पॉट देखा होगा तो वहाँ हमें एक जॉम्बी वर्जन वाली वांडा भी दिखी। अब यहाँ वो जॉम्बी है या नहीं ये तो नहीं पता, बट हाँ व्हाट इफ वाले वांडा से ये सिमिलर जरूर लग रही है। एंड यार सही में किसी से भी पंगा ले लो, वांडा के जॉम्बी वेरिएंट से पंगा नहीं लेने का। अब जॉम्बी की बात हुई है तो यहाँ डिफेंडर स्ट्रेंज को हम एक जॉम्बी वाले लुक में भी देखते हैं। अब सही में इनको देखकर मुझे हैरी पॉटर के डेमेंटर्स की याद आ गई, एंड सीन से सीन में डिफेंडर स्ट्रेंज इन डेमेंटर्स जैसे क्रिएचर्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे एंड ये कैरेक्टर एक नए जॉम्बी वाले लुक में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। वैसे इस ट्रेलर में ट्रांसफॉर्म होते हुए तो प्रॉपरली नहीं दिखाया गया है, लेकिन टीवी स्पॉट में जरूर दिखाया गया। और हाँ कोई यहाँ पे ये नहीं बोलना कि यार ये डिफेंडर स्ट्रेंज नहीं है, भाई कपड़ों से साफ पता चल रहा है। तो यार ये था मेरा ब्रेकडाउन, होप सो कि मुझसे कुछ मिस नहीं हुआ हो। फिर भी कुछ अगर मिस हो गया है तो कमेंट में बता देना, मैं पिन कर दूंगा जिससे कि बाकी लोगों को भी पता चल जाए। एंड एज ऑलवेज ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करके ही जाना। यार सच में पहला ऐसा ट्रेलर है जिससे स्टोरी गेस कर पाना पॉसिबल ही नहीं।